नागपुर नगर निगम शहर के 14 पार्कों में एक छोटी सी अवशिष्ट जल शोधन परियोजना पर काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए गंदे पानी को ट्रीट कर पानी को ट्रीट किया जाएगा। इस पानी का इस्तेमाल पार्कों और इमारतों के निर्माण में लिए किया जाएगा। मेयर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि इससे शहर में 40 लाख लीटर पानी की बचत होगी। मेयर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि इससे शहर में 40 लाख लीटर पानी की बचत होगी। महापौर दयाशंकर तिवारी, विधायक प्रवीण दटके और विधायक विकास कुम्भारे ने स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर वार्ड 19 के गांधीबाग उद्यान में नागपुर नगर निगम द्वारा स्थापित लघु अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र का उद्घाटन किया। नागपुर नगर निगम देश का पहला नगर निगम है जहां 14 पार्कों में अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। महापौर ने कहा कि गांधीबाग उद्यान के नीचे बहने वाले नाले के पानी को संसाधित कर पार्क में इस्तेमाल किया जाएगा। चिकित्सा स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष महेश महाजन, गांधीबाग अंचल की अध्यक्ष श्रद्धा पाठक, मंगलवार जोन की अध्यक्ष प्रमिला मथारानी, पूर्व महापौर संदीप जोशी, सत्तारूढ़ दल के उपनेता नरेंद्र बोरकर, स्वास्थ्य समिति के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ पार्षद वीरेंद्र कुकरेजा, पार्षद संजय कुमार बाल पांडे, अधिवक्ता धर्मपाल मेश्राम, राजेश घोड़पेज, प्रवीण भिसीकर, पार्षद विद्या कान्हेरे, सरला नायक के साथ ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधीक्षक मनोज तलेवर, कार्यपालक अभियंता डॉक्टर श्वेता बैनर्जी, गांधीबाग अंचल के सहायक आयुक्त अशोक पाटिल आदि उपस्थित थे। नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से आज इस गांधीबाग बगीचे में एक छोटे एसटीपी का उद्घाटन समारोह में उपस्थित कार्यक्रम के उद्घाटक मध्य नागपुर के लाडले विधायक विकास कुम्भारे जी, मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी नगर सेवक संजय बालपंडे जी, सरलाताई, विद्याताई, उसी प्रकार से स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष संजय महाजन जी, नगर सेवक राजेश घोड़पागे जी, नगर सेवक प्रवीण भिसीकर जी, मंच पर उपस्थित महानगर पालिका की हमारे इस प्रकल्प की अधिकारी रीता बैनर्जी जी, संबंधित कंपनी के अधिकारीगण, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, नागपुर शहर में 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से हमने एक प्रकल्प आयोजित किया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।